गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग योर साइंस वर्क रेगुलरली. यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वॉटर, एसिड्स एंड ऑक्सीजन. Today we will do reaction with the alkalis. As you know that most metals do not react with alkalis. First of all, what is the meaning of alkalis? Alkalis are the bases which are soluble in water. You know about that there are the two form, acid and base. And alkalis are the base which are soluble in water. That means all the bases are not soluble in water. सभी जो bases हैं water में soluble नहीं होते. जो base water में soluble होगा उसको हम क्या बोलते हैं? Alkalis. Aluminium and zinc, however, react with sodium hydroxide, potassium hydroxide to form their salt and liberate hydrogen gas. That means जो metals हैं वो alkalis के साथ में react करके they also liberate hydrogen gas. कल हमने किया था ना कि metals वाटर के साथ में और एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिब्रेट करते हैं. ऐसे ही मेटल्स एल्किलाइज के साथ में रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस को लिब्रेट करेंगे. लिब्रेट मीन्स इवोल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी इसके अंदर. नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. रिएक्टिविटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट. किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करना, दैट इज नोन एज रिएक्टिविटी. मोर इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड, द मोर इज रिएक्टिविटी. जितना ज़्यादा कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाएगा उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी. एंड ऑल द मेटल्स डू नॉट हैव सेम रिएक्टिविटी. सम मेटल्स और यू कैन से सम एलिमेंट्स हैव मोर रिएक्टिविटी एंड अदर हैव लेस रिएक्टिविटी. This table is given to you. This is reactivity series. As you can see, potassium is put on the top of the table. Why? Because potassium is most reactive metal. And platinum is put at the last. Why? Because platinum is least reactive metal. This is reactivity series. Reactivity series means metals को इस तरह से रखा गया है, अरेंज किया गया है दैट जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसको सबसे पहले एंड जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो सबसे लास्ट में. तो ये सीरीज़ आपको याद करनी है. दैट मींस सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. दीज आर लिस्ट रिएक्टिव और यू कैन से दे डू नॉट रिएक्ट विद एयर. सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करते. अब क्वेश्चन किस तरह से आता है बेटा? लुक हियर, सपोज दैट आपको टू एलिमेंट्स गिवन है लाइक कैल्शियम एंड जिंक, है ना? और अगर आपको साथ में सल्फेट गिवन है तो आप बताओ कि कैल्शियम और जिंक में से सबसे ज़्यादा फास्टली सल्फर जो है, सल्फेट, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? कैल्शियम के साथ. वाई? बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ कैल्शियम इज मोर देन जिंक. तो इस सीरीज़ का यही मतलब है, अगर आपको दो एलिमेंट गिवन है तो आपको बताना है कि किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी. नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट मीन्स हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस करेगा अदर मेटल को. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हेयर दैट मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद ईच अदर देन इन प्रोडक्ट वी गेट मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर. वाई? बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन कॉपर. एज यू कैन सी इन दिस सीरीज, लुक हियर, मैग्नीशियम एंड हेयर इज कॉपर. एज यू कैन सी दैट मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है. मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या होगा? सल्फेट आयन्स को डिस्प्लेस करेगा. लुक हियर बेटा, मैग्नीशियम जो है सल्फेट आयन को डिस्प्लेस कर रहा है. पहले सल्फेट किसके साथ था? कॉपर के साथ में. अब डिस्प्लेस होके कहाँ पे आ गया? मैग्नीशियम के पास आ गया. तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बन गया प्लस कॉपर. रिएक्टेंट में मैग्नीशियम अकेला था, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम सल्फेट बना प्लस कॉपर. वाई? बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर.
दिस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन्स कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो किसी आयन को जब डिस्प्लेस करेगा दैट इज़ नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू बट यू हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी बेटा टेक वॉटर इन अ बीकर एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन and put magnesium ribbon. After few hours you will observe that blue color of solution will fade. This blue color is due to copper sulfate, and after some time this blue color will fade away and water will become colorless. Copper will displace on a magnesium ribbon. This shows that magnesium displaces sulfate ions and it forms magnesium sulfate, and copper will deposit on a magnesium ribbon. As you can see here, copper कहाँ displace हो गया बेटा, magnesium ribbon पे displace हुआ. तो clear हुआ? आप अपनी language में write करोगे आपने क्या किया. Take a beaker, add some water, add copper sulfate solution. Water में आपने copper sulfate solution डाला. Now dip magnesium ribbon. ठीक है, after few hours you will observe that मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस सल्फेट आयन्स एंड कॉपर विल कोटेड ऑन मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम ने क्या किया, सल्फेट आयन्स को डिस्प्लेस कर लिया. इस सल्फेट आयन की वजह से इसका ब्लू कलर था, ब्लू कलर चेंज हो गया एंड ये रिबन पे मैग्नीशियम सल्फेट बन गया और कॉपर जो है वो अलग से रह जाएगा. और कॉपर आपको यहाँ साइड पर दिखाई दे रहा है, इसकी कोटिंग जो है वो मैग्नीशियम के साथ में स्टिक कर गया. ठीक है, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So this reaction is clear to you. Next is noble metals. Noble metals are the metals that are least reactive. So definition of noble metal is clear to you. Noble metals are the metals that are least reactive. For example, platinum. Platinum is a noble metal. Why? Because it doesn't react with air, water, acid, bases and most other substances. क्योंकि जो noble metals होते हैं वो air के साथ, water, acid, base के साथ में react नहीं करते. Another metals which shows a similar behavior is gold. So gold and platinum are noble metals. Gold and platinum are the metals that are least reactive. That means they do not react with air, water, acid and base. So these are noble. Noble means जो किसी के साथ भी react नहीं करते, air के साथ ना, water के साथ. और least reactive है तो chemically affected नहीं होंगे. Chemical affected means ये chemical reaction नहीं करते air के contact में आके, water के contact में या फिर किसी acid या base के साथ में. तो जब react नहीं करेंगे तो gold जो है या फिर gold jewelry, platinum jewelry वो काफ़ी लंबे time तक safe रहती है. दैट मीन्स वो ख़राब नहीं होती. किस लिए? क्योंकि वो एयर के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहे. दैट मीन्स जो गोल्ड एंड प्लैटिनम है दे डू नॉट लॉस देयर शाइन एंड लस्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो अगर क्वेश्चन आता है वाई दे डू नॉट गेट टर्निश्ड एंड रिटर्न देयर लस्टर, रिटेन देयर लस्टर, मतलब वो ख़राब नहीं होते जल्दी से और अपनी लस्टर को मेनटेन रखते. लस्टर मीन्स शाइनिंग अपियरेंस को. तो रीज़न क्या बताओगे? बिकॉज दीज आर नोबल मैटर्स एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद water, air, acid and base. Next is noble metals are ductile and malleable. As you know that meaning of ductile means to make wires and malleable means to make sheet. Noble metals ki wires and sheet bana sakte hain hum and it is because of this property gold and platinum are used for making jewelry. Gold and can also use for plating other metals. As you know that gold and platinum are noble metals, they do not react with other metal, they do not show chemical reactions, like they do not react with air, water and so these are used for making jewelry as well as to make wire and thin foils. Gold foils use karte hain, kahan par computer mein use kiya jata hai inka. But pure gold is very soft. So to make jewelry, we don't use 24 karat gold because 24 karat gold is very soft. So in gold, some parts of copper or iron is mixed to make it hard.
सो प्योर गोल्ड कितना होता है बेटा? 24 कैरेट्स. कैरेट इज द यूनिट ऑफ गोल्ड. गोल्ड को किस में मेजर करते हैं हम? इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? कैरेट. जैसे टाइम की यूनिट सेकंड होती है, ऐसे गोल्ड की यूनिट क्या होगी? कैरेट. और प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है बेटा? 24 कैरेट का. बट हम जो गोल्ड यूज़ करते हैं उसमें मिक्सिंग की जाती है कॉपर या आयरन की, उसको हार्ड बनाने के लिए, बिकॉज प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है. तो ज्वेलरी जल्दी से ख़राब हो जाएगी अगर हम प्योर गोल्ड का यूज़ करेंगे, वो मुड़ जाती है. बट इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें कॉपर या फिर आयरन को ऐड करेंगे. सो इट इज़ क्लियर टू यू? इट मीन्स 22 कैरेट. अगर 22 कैरेट आपसे पूछा जाता है तो 22 मीन्स 22 पार्ट ऑफ गोल्ड एंड 2 पार्ट ऑफ कॉपर और आयरन. और अगर 18 कैरेट पूछा जाए तो 18 मीन्स दैट मीन्स टोटल 24 रखना है आपको, और उसके बाद जो बाकी बच गया, जैसे 18 कैरेट बोल रही हूँ मैं आपको, 18 कैरेट मींस 18 पार्ट ऑफ गोल्ड एंड 6 पार्ट ऑफ आयरन एंड कॉपर. क्लियर हुआ बेटा? टोटल सम आपको 24 रखना है, जितना भी गिवन है 24 में से कट कर देना वो पार्ट, बाकी क्या बच जाएगा? आयरन या फिर कॉपर का. जैसे लुक हियर, मैं आपको कह रही हूँ 18 कैरेट, तो इसका मतलब 18 पार्ट किसका हो गया? गोल्ड का. टोटल प्योर गोल्ड जो होता है वो कितने कैरेट का है? 24 कैरेट. तो आप क्या करोगे, 24 में से 18 को कट कर दो, कितना रह गया? 6. तो यहाँ पे जो 6 पार्ट होगा वो क्या ऐड करेंगे हम? या तो उसके अंदर आयरन को ऐड करेंगे या फिर कॉपर को. ठीक है, ऐसे आपको बुक में दे रखा है 22 पार्ट. 22 मीन्स 22 पार्ट ऑफ गोल्ड प्लस टोटल 24 है, तो 22 प्लस 2 पार्ट ऑफ आयरन एंड आयरन और कॉपर, इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे हम. नेक्स्ट है यूजेज ऑफ मेटल्स, अलॉयज एंड नॉन मेटल्स. कहाँ पे यूज़ करते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम. मेटल्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ एंड फ्रॉम ऑल टाइम्स वी आर यूजिंग मेटल्स इन आवर डेली लाइफ. मोस्ट कॉमनली मेटल्स दैट आर यूज्ड इन डेली लाइफ आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर. मेटल्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स इन किचन यू कैन से आयरन इज यूज, वाटर बॉयलर्स, स्टोव, टॉयज, टूल्स, पाइप्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, चेन, वायर्स, नेल्स, बोल्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इन ऑल दीज आयरन इज यूज्ड. सो दीज आर यूजेज ऑफ आयरन. नेक्स्ट आर यूजेज ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज अ लाइट मेटल, वेरी लाइट, दैट्स वाई इट इज यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज. अब क्वेश्चन क्या आता है, विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज? सो योर आंसर विल बी एल्यूमिनियम. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक एयरक्राफ्ट बॉडीज? एयरक्राफ्ट बॉडीज़ को बनाने के लिए एल्यूमिनियम यूज़ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ अ लाइट मेटल, बहुत हल्का होता है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज़. इसके अलावा और कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स. इट्स थिन फॉइल्स आर यूज फॉर पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स एंड मेडिसिन. जो आप खाना पैक करते हो बेटा अपनी चपाती, वो किस में करते हो? एल्यूमिनियम के फॉइल पेपर में. एंड इसी तरह से जो आपकी मेडिसिन हैं जिस पेपर में रैप की जाती हैं वो क्या होता है? एल्यूमिनियम पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल में रैप की जाती हैं. नेक्स्ट है कॉपर. कॉपर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए, वायर्स के लिए, कुकिंग वेसल्स में किसका यूज़ करते हैं हम? कॉपर का. नेक्स्ट इज सिल्वर. सिल्वर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, डेकोरेशन पर्पस एंड टेबलवेयर. टेबलवेयर मीन्स कटलरी सेट होता है बेटा, कटलरी सेट जिसमें स्पून और नाइफ वगैरह यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं हम? सिल्वर का. सिल्वर बींग हाईली मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स शीट बन जाती है इसकी थिन, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन फॉयल्स. एंड यू नो दैट फूड आइटम्स के ऊपर सिल्वर की कोटिंग की जाती है, स्पेशली स्वीट्स, जो आप मिठाइयाँ खाते हो, स्वीट्स पे क्या किया जाता है बेटा? सिल्वर की कोटिंग की जाती है, शीट लगाई जाती है, थिन शीट. तो डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, स्वीट्स की डेकोरेशन के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए एंड टेबलवेयर के लिए. टेबलवेयर मीन्स टेबल पे जो कटलरी सेट वगैरह यूज़ किए जाते हैं. सिल्वर एंड गोल्ड वायर्स आर हावेवर यूज्ड फॉर हाई प्रिसीजन इलेक्ट्रिकल
इन कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स में जो वायर्स यूज़ की जाती हैं दैट आर मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. नेक्स्ट है यूजेज ऑफ अलॉयज. नाउ क्वेश्चन अराइजेज इन आर माइंड इज व्हाट आर अलॉयज. अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल विद मेटल और मेटल विद नॉन मेटल. दैट मीन्स मेटल का मेटल के साथ में रिएक्ट करना या फिर मेटल का नॉन मेटल के साथ में, दिस इज नोन एज अलॉयज. By adding appropriate amount of other metals or non-metals to form the alloys, properties of a given metal can be modified. Alloys are generally stronger, harder and more resistant to corrode. अब question आता है हमारे mind में, why we used alloys to make statues बनाते हैं तो उसमें alloy use क्यों करते हैं हम? Because alloys are stronger, harder and most resist to corrode. Corrode means जल्दी से ख़राब नहीं होते, chemical react नहीं करते ये. Clear हुआ? तो इसीलिए हम किसका use करते हैं? Alloys का. Alloys बना कैसे? दो metals को combine कर देते हैं या फिर metals का non metal के साथ में जो combination होगा that is known as alloys. Alloys कैसे होते हैं? Hard होंगे, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड कोरोड नहीं होते जल्दी से. दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस टेबल. वन क्वेश्चन डेफिनेटली कम इन एग्जाम, किसी भी फॉर्म में आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है कि कंपोजिशन ऑफ ब्रोंज, कंपोजिशन मीन्स ब्रोंज किस किस मेटल से मिलकर बना है, तो योर आंसर विल बी कॉपर एंड टिन. या फिर पूछ सकते हैं यूजेज ऑफ ब्रोंज, यूजेज ऑफ स्टेनलेस स्टील. या क्वेश्चन को मोल्ड करके कैसे देंगे बेटा? Name the alloy which is made up of copper and zinc. Name the alloy which is made up of copper, zinc and nickel. मतलब आपको दोनों तरह से याद करने हैं कि आयरन एंड कार्बन की जो कंपोजिशन है ये मिलकर के क्या बनाते हैं? स्टील. या फिर पूछ सकते हैं कि स्टील कैसे बना होता है? Write the composition of steel. तो आप आंसर क्या राइट करोगे? आयरन एंड कार्बन. दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फर्स्ट इज स्टील. स्टील इज़ मेड फ्रॉम आयरन एंड कार्बन. एंड स्टील का यूज़ कहाँ करते हैं हम? कंस्ट्रक्शन के लिए एंड मशीन पार्ट्स बनाने के लिए. नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील इज़ मेड अप ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल. एंड इट इज़ यूज फॉर कटलरी एंड सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स. डॉक्टर्स जो सर्जरी करने के लिए यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट्स दैट आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. क्योंकि स्टेनलेस स्टील ख़राब नहीं होती, उनको रस्ट नहीं लगता. रस्ट मीन्स वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते. ब्रास इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक. एंड ब्रास इज़ यूज फॉर डेकोरेटिव स्टैचूज, नट्स एंड बोल्ट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स. ब्रोंज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन. इट इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, कॉइन्स, मेडल्स, स्टैचूज, डेकोरेटिव आइटम्स. जर्मन सिल्वर इज मेड अप ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल. एंड इट इज यूज फॉर टेबल वेयर. टेबल वेयर मीन्स लाइक कटलरी सेट एंड क्रोकरीज. नेक्स्ट इज ड्यूरालुमिन. It is made up of aluminium, copper, magnesium and manganese. These are used for aircraft bodies, automobile parts and undersea vessels. Alnico is a composition of aluminium, nickel and cobalt. It is very easy, as you can see there are three parts. Al means aluminium, Ni means nickel and Co means cobalt. And it is used for making a magnet. Next is gunmetal. It is made up of copper, tin and zinc. And it is used for making gun barrels. Gun के जो parts होते हैं उनको बनाने के लिए किसका use करते हैं? Gun metals का. Last question is uses of non-metals. You know that nitrogen, phosphorus, iodine, sulfur, oxygen, diamond, graphite, these all are non-metals. And these non-metals are used. Nitrogen is used in plants. As you know that plants do not take nitrogen directly. Some bacteria convert nitrogen into nitrates and plants take these nitrates for growth of leaves. Next is phosphorus. Phosphorus is used in matchbox industries and fertilizers. Fertilizers, that means field में crops की fertility को increase करने के लिए phosphorus का use करते हैं. Matchbox industries, जो मैचबॉक्स बनाई जाती हैं उस इंडस्ट्रीज में भी फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है. आयोडीन इज एंटीसेप्टिक. सल्फर इज़ यूज फॉर मेकिंग फायर क्रैकर्स, गन पाउडर एंड सल्फ्यूरिक एसिड. गन फायर क्रैकर्स मीन्स जो पटाखे बनाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है सल्फर का और सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए. ऑक्सीजन, एज यू नो दैट ऑक्सीजन इज़ वेरी
यूजफुल फॉर ब्रीदिंग पर्पज़, ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का. डायमंड इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, कटिंग ऑफ ग्लास एंड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टूल्स. टूल्स की ग्राइंडिंग के लिए एंड ग्लास को कट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है बेटा, डायमंड का. ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इट इज़ यूज इन बैटरीज एंड इन पेंसिल्स. पेंसिल्स में एंड बैटरीज, जो आपके इन्वर्टर में बैटरीज यूज़ की जाती हैं, वो उसमें कौन सी रोड की जाती है बेटा, ग्रेफाइट रोड. लास्ट डू यू नो इज़ गिवन टू यू. मैनी मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स प्ले अ वाइटल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडीज. मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन अर बॉडी बेटा. फॉर एग्जाम्पल आयरन, एज यू नो दैट आयरन इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन. एज यू नो दैट कलर ऑफ योर ब्लड इज रेड, दिस रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन. सो आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट्स डेफिशियंसी कोज डिजीज टू अस लाइक अनेमिया. सोडियम एंड पोटेशियम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू and from the brain. As you know that our brain give messages and command to our different body parts through nerve impulses. So sodium and potassium plays important role in the transmission of signals. सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए आपकी ब्रेन से बॉडी में जो सिग्नल जा रहे हैं, या फिर बॉडी से जो ब्रेन में सिग्नल जाएंगे, ब्रेन से बॉडी में जाते हैं, उनमें सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में. नेक्स्ट इज अदर मटेरियल्स ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडीज. नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, फॉस्फोरस ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन बॉडी. फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन बॉडी बोन्स एंड हेल्प सेल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड. एज यू नो दैट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. फॉर these are important minerals that are used for to make our bones and teeth strong. So these are metals and non metals that are very important for human body also. These metals and non metals play important role in our body. For example, iron is playing important role for making hemoglobin and to give red color to our blood, and sodium and potassium helps to transmit signals. Phosphorus and calcium, these help to make our teeth and bones strong. So metals and non-metals plays a vital role in our daily life. So chapter 3 is complete beta. Today your work is you have to read complete chapter and try to frame extra question answer of this chapter. Thank you and have a nice day.